नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले गिट या गिटहब से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वेल, इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा वो मुझसे मेरे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए थे, तो आई होप कि आपसे भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाए। तो इस वीडियो में मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। आई होप कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। ये वीडियो चार पार्ट्स में डिवाइड होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो कि सब लोगों से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट होगा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि अगर आप एक गिट या गिटहब के बाद थोड़ा बहुत भी यूज करते हो तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा पार्ट होता है एडवांस लेवल के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जिनको आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उनके बारे में पता हो तो ये सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाती है, यानी कि आपके लिए ही बेनिफिशियल चीज रहती है। और लास्ट पार्ट होता है गिट कमांड्स का, यानी कि कुछ ऐसी कमांड्स जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, जो कि आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारी कमांड जब भी आपसे कोई इसके बारे में पूछे तो आपको एकदम तोते के जैसे रटी होनी चाहिए कि यार क्या कब कौन सी कमांड यूज की जाती है। तो वेल, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग इन दोनों चीजों को सेम ही समझते हैं, लेकिन मैं आपको यह चीज कहना चाहता हूं, गिट टोटली डिफरेंट है गिटहब से। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड चार या पांच पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो कि आप इंटरव्यू में बता सको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेपोजिटरी एंड अ ब्रांच इन गिट। ये भी थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन आपको वो डिफरेंस इलेबोरेट करके बताना आना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट पुश एंड गिट पुल कमांड। ये दोनों कमांड बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जिनके डिफरेंस के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट पुल एंड गिट फेच। ये दोनों सिमिलर तरीके से ही वर्क करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, आपको वो डिफरेंस बताने की जरूरत होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट क्लोन एंड गिट रिमोट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको वो बताने की जरूरत होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट डिफ एंड गिट स्टेटस। ये दोनों सिमिलर चीज ही बताती हैं और बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सी कमांड यूज करनी चाहिए, तो आपको इन दोनों के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट मर्ज एंड गिट रीबेस। ये दोनों कमांड्स में भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज ही रहते हैं कि ये दोनों कमांड आखिर डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों कमांड को कब यूज करना चाहिए, यानी कि कौन से टाइम पे कौन सी कमांड यूज करनी चाहिए, आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ गिट रेपोजिटरी एंड हाउ टू क्रिएट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू फिक्स अ ब्रोकन कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डॉट गिट डायरेक्टरी गेट्स डिलीटेड। सब लोगों को पता है कि जब भी वो गिट के साथ काम करते हैं तो एक डॉट गिट नाम से एक फोल्डर बन जाता है। अगर आपसे गलती से वो फोल्डर डिलीट हो जाता है तो उसके क्या आउटकम्स निकलते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेजिंग एरिया एंड इंडेक्सिंग इन गिट। आपको स्टेजिंग के बारे में पता होना चाहिए कि गिट में स्टेजिंग क्यों यूज की जाती है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और पूरा का पूरा फ्लो भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कोई भी डाटा स्टेजिंग पर लेकर जाते हैं, उसको किस तरह से पुश करते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द डिफरेंट गिट रेपोजिटरी होस्टिंग फंक्शंस। कौन कौन से गिट रेपोजिटरी के होस्टिंग फंक्शंस होते हैं, आपको वो सब बताने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्जन कंट्रोल सिस्टम। VCS क्या होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और इसके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं, आपको वो चीजें भी बताने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिट और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गिट। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट एंड SVN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कमांड गिट कॉन्फिग डू। ये स्टार्टिंग में ही यूज करनी पड़ती है, तो आपको इसके बारे में तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ गिट इज -3। ये क्या होती है, आपको इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय गिट स्टैश। इसमें और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि गिट स्टैश पॉप, गिट स्टैश अप्लाई एंड गिट स्टैश ड्रॉप। ये सब कमांड्स क्या करती हैं, क्या यूज होता है, इन सभी कमांड्स में क्या डिफरेंस होता है, आपको इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डस गिट अनोटेट कमांड डू।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गेट चेरी पिक कमांड डू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट रिवर्ट एंड गेट रीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कमिट मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हेड इन टर्म्स ऑफ गेट एंड हाउ मेनी हेड्स कैन बी प्रेजेंट इन ए रेपोजिटरी। कितने हेड हो सकते हैं एक पर्टिकुलर रेपोजिटरी में वो भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं एडवांस लेवल या फिर रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, लेकिन आपको इनके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये आपके लिए ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू रिवर्ट अ बैड कमिट व्हिच इज ऑलरेडी पुश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हेड वर्किंग ट्री एंड इंडेक्स इन गिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज टू बी रन टू स्क्वैश मल्टीपल कमिट्स इनटू अ सिंगल कमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गिट रेफलॉग डू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू रिवर्ट अ डिलीटेड ब्रांच इन गिट एक्सप्लेन। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके बारे में आपको भी पर्सनली पता होना चाहिए कि किसी भी डिलीटेड ब्रांच को किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं या कर भी सकते हैं या नहीं, आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, जिसको बहुत ज्यादा लोग टफ समझते हैं, वो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन गिट। यही एक ऐसी चीज होती है जो कि वन ऑफ द टफेस्ट चीज होती है गिट में। अगर आपको इसके बारे में पता चल गया तो मैं ये कहूंगा कि गिट तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बात करते हैं गेट कमांड्स के बारे में, जिनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये सारे के सारे आंसर आपको टिप पे रटे होने चाहिए कि इस सब के लिए कौन कौन सी कमांड यूज की जाती है, क्योंकि अब कभी भी आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जिसमें सबसे पहली कमांड होती है व्हाट इज द कमांड व्हिच इज यूज्ड टू सेट अप योर गेट यूजर नेम एंड गेट ईमेल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कमांड टू इनिशियलाइज द गेट रेपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कमांड टू ऐड अ पर्टिकुलर फाइल एंड टू ऐड मेनी फाइल्स इन द स्टेजिंग एरिया ऑफ गेट। Next question is what is the command to commit changes with a message in git. Next question is what is the command used to see your commit history. Next question is what is the command to create a new branch in git. Next question is what is the command to switch to another branch in git. Next question is what is the command to list the branches in git. Next question is what is the command to create a branch and to switch in it immediately. Next question is what is the command to delete a branch in git. Next question is what is the command to merge two branches in git. Next question is what is the command to abort the conflicting merge in git. Next question is what is the command to push and pull the changes in git. Next question is what is the command to check the remote branches that git is tracing. Next question is what is the command to fetch the remote repository changes in git. Next question is what is the command to force a push request in git. Next question is what is the command to add a remote repository in git. What is the command to rename files in git? Next question is what is the command to ignore files in git? Next question is what is the command to remove the tracked files from the current working tree in git? Next question is what is the command to roll back the last commit in git? तो इसी के साथ बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।